हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ द फंक्शन को देखेंगे। टाइप्स ऑफ द फंक्शन, आज का जो हमारा टॉपिक है फंक्शन का, वो है टाइप्स ऑफ द फंक्शन। मुख्य तौर पर फंक्शन को दो आधार पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन इट मींस कैसे कैसे सेट ए का मेंबर सेट बी के मेंबर से कनेक्ट हो सकता है इसके आधार पर, और दूसरा उसका कैरेक्टर के आधार पर। तो हम लोग कई तरह के फंक्शंस का स्टडी करेंगे, अभी से लेकर के कई तरह के टाइप्स का स्टडी करेंगे। उसके दौरान उसके कैरेक्टर को भी हम लोग समझेंगे और फिर लास्ट में हम इसमें रेंज और इनवर्स कंपोजिट इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ कोरेस्पोंडेंस कह लीजिए और ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन कह लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन इट मींस कनेक्शन के आधार पर कितने तरह के फंक्शन होते हैं, हम उसका स्टडी अभी करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो फंक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन नाम है इसका, वन वन फंक्शन, और इसी को इंजेक्टिव कहते हैं। इसी को इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव मैपिंग कह लीजिए। और इंजेक्टिव मैपिंग, मैपिंग भी फंक्शन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग, जिसको आप लोग हिंदी में एकाइक बोलते हैं, एकाइक। आइए इसके डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। डिफिनेशन कहता है इफ एफ इज एनी मैपिंग, एनी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, ये इसका डिफिनेशन स्टार्ट हुआ। इफ एफ इज एनी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसको हम चाहें तो सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं। इफ एफ इज एनी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेज, डिफरेंट इमेजेज इन सेट बी, डिफरेंट इमेजेज इन द सेट बी, ऐसा इसको कहना है। देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, ये इसका डिफिनेशन हो गया। एक बार फिर से आप लोग इसके डिफिनेशन को पढ़ लीजिए। डिफिनेशन क्या कहता है, कहता है इफ एफ इज एनी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यदि एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, यहां ए डोमेन का काम करेगा और बी जो है वह को डोमेन का काम करेगा, ठीक है ना। पहला सेट ए जो है वह डोमेन का काम करेगा और दूसरा सेट बी जो है वह को डोमेन का काम करेगा, ठीक है ना। तब आगे कहता है सच दैट, इस तरह से वो फंक्शन है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेज इन द सेट बी, सेट ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। ये तो आप जानते हैं कि सेट के ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, सेट ए का कोई मेंबर खाली रहना ही नहीं चाहिए, ये तो हम जानते हैं फंक्शन होने के लिए। लेकिन यहां एक कंडीशन है
कि सेट ए का जितना भी मेंबर होगा उसके अलग अलग इमेजेज होंगे सेट बी में, तब जाकर के वो वन वन फंक्शन कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। अगर हम इसको पिक्चर से देखें, पिक्चर से समझें, तो देखिए कैसे होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, आइए पिक्चर से। ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया, ठीक है ना, वन वन का। अगर हम इसको पिक्चर से देखें तो सबसे पहला हम पिक्चर आपको ड्रॉ कर रहे हैं, वो देखिए, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। यहां एक मैपिंग है एफ, इसमें इसके मेंबर को आप लोग जानते हैं कि हम एक्स से रिप्रेजेंट एक्स वन एक्स टू ऐसे नाम दे सकते हैं, ठीक है, एक्स फोर एक्स फाइव। अगर हम गौर करें इसमें तो टोटल कितने एलिमेंट हैं, फाइव एलिमेंट हैं। अब इसके अंदर गौर कीजिए, ये इस तरह से हमने टोटल सिक्स मेंबर दे दिए, चाहे फाइव मन हो तो फाइव भी, फाइव या फाइव से ज्यादा कुछ भी। देखिए तीन तरह की बात हो सकती है, या तो ए और बी में एलिमेंट की संख्या बराबर होगी, ए और बी में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, या ए में बी से कम होगा या ए में बी से ज्यादा होगा। यही तीन तरह के कंडीशन पर हम डिस्कस कर सकते हैं। जब भी हमको डिस्कशन करना होगा तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि ए में और बी में एलिमेंट की संख्या बराबर हो जाए, ए में बी से कम हो जाए या ए में बी से ज्यादा हो जाए। तो जब ए में और बी में मान लीजिए बराबर एलिमेंट हो, इसका नाम इस तरह से दे दिए वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव, तो गौर कीजिए कि इसको हम थोड़ा ऐसे मैच कराते हैं, इस तरह से ऐसे मिलाए हम, और हम आपसे पूछें कि क्या ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है, क्या जवाब होगा, फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो इधर जितने भी एलिमेंट हैं सब जगह से एरो जो निकल रहा है वो बी के अलग अलग एलिमेंट पर जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि दो जगह से एक जगह पे एरो जाए। एक जगह से दो एरो तो कभी निकल ही नहीं सकता, सेट ए के एक मेंबर से दो एरो तो कभी निकल ही नहीं सकता, फंक्शन के डिफिनेशन को ही वो गलत कर देगा, है ना। फंक्शन डिफाइंड तब नहीं होगा, फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब सेट ए का सारा मेंबर का कनेक्शन सेट बी में मिले और साथ ही साथ प्रत्येक एलिमेंट से सिंगल एरो निकले, इट मीन सिंगल कनेक्शन हो तभी जाकर के। तो ये देखिए फंक्शन तो है और सभी जगह से अलग अलग जगह पर एरो गया है, तो यहां हम बोलेंगे एफ इज वन वन फंक्शन, एफ इज वन वन फंक्शन। इस पिक्चर में हम कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं, सेकंड पिक्चर को देखते हैं, ठीक है। सेकंड पिक्चर, सेकंड पिक्चर क्या है, यहां पर आइए, इस तरह का है ना, ये मान लीजिए ए ले लिए, फिर से बी ले लिए और ये एक फंक्शन, इसमें फिर से नाम एफ ही दे देते हैं, मन कहे तो जी दे दीजिए, मन कहे तो एच दे दीजिए, फंक्शन के ये सेट को भी चाहे तो आप बदल दे सकते हैं, सी डी जो दिल करे सो दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अब ए का जो मेंबर है इसमें हम इस तरह से फिर फाइव मेंबर ले लिए और इसमें हम सिक्स मेंबर ले लिए, ऐसे है ना, सेवन मेंबर हो गया, ज्यादा जितना मन हो उतना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप गौर कीजिए, यहां से इस जगह गया, यहां से ये हो गया, यहां से ये हो गया, यहां से ये हो गया, यहां से हमने इसको मिला दिया। और देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन तो ऑलरेडी है क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन उधर है और हर जगह से सिंगल सिंगल एरो निकला है, इसका मतलब यह वन वन फंक्शन है, इट इज ए वन वन फंक्शन, इट इज ए वन वन फंक्शन, ये आपको वन वन फंक्शन है, क्लियर हो गया। अब आपका तीसरा पिक्चर आइए, ये लीजिए, दोनों में बराबर एलिमेंट, ए में कम बी में ज्यादा, अब ए में ज्यादा कर देते हैं, चलिए आइए ऐसे ऐसे कर दिए छह और इसमें हम चार ही रहने देते हैं। अब प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन तो होना चाहिए उधर, प्रत्येक में कनेक्शन तो होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का, तो चलिए इसका कनेक्शन इससे करा दिए।
इसका कनेक्शन इससे करा दिए, इसका कनेक्शन इससे करा दिए, इसका कनेक्शन इससे करा दिए। क्या अभी ये फंक्शन है? फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि दो मेंबर अभी ए का खाली छूट रहा है। बी का खाली छूट जाए ये सही रहेगा, लेकिन ए का कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। बी का खाली रहने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ए का आपको कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। ए के प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। तो अब ये अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे तो इसी में से किसी किसी से कनेक्ट करना होगा। मान लीजिए इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हम इससे मिला दिए इसी से, तो अब तीनों का इमेज सेम हो गया, इस तीन एलिमेंट का इमेज सेम हो गया। तो यह फंक्शन अब 1-1 नहीं है, यह फंक्शन अब 1-1 नहीं है। इट इज नॉट ए 1-1 फंक्शन, इट इज नॉट ए 1-1 फंक्शन। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया आपको, अच्छे समझ में आ गया होगा कि 1-1 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यदि सेट ए में बी से कम एलिमेंट हो तो 1-1 फंक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। 1-1 फंक्शन तभी एस्टेब्लिश होगा जब ए में बी में एलिमेंट की संख्या बराबर हो या ए में बी से कम हो, ए में बी से कम हो। तो ये तीन तरह के कंडीशंस को आपको हम समझाए। तो कहेंगे कि ये 1-1 नहीं है तो क्या है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि ऐसे फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। मेनी वन फंक्शन, ऐसे फंक्शंस को क्या कहा जाता है? मेनी वन फंक्शंस। अब हमको समझना है दूसरा डिफिनेशन, और इस पर हम थोड़ा फंक्शन के 1-1 फंक्शन के नंबर्स के बारे में भी स्टडी कर दें तो बेहतर रहेगा। यहीं पर हम आपको लिख देते हैं। मान लीजिए ए में अगर आपको यहां लिख दिया, इफ नोट, इसको यहां पे हम आपको लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए, आप दो तरह के, तीन तरह के केस यहां देखे हैं जब ए और बी में एलिमेंट की संख्या बराबर थी, ए में कम बी में ज्यादा, ए में ज्यादा बी में कम। तीन तरह की बात आप देखें। इसको ठीक से अगर हम देखें तो बड़ी आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं। नोट देखिए यहां क्या कहता है, इफ सेट ए, इफ द सेट ए हैज एम एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज, बी हैज एन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स। सेट ए में एम एलिमेंट्स है और सेट बी में आपको एन एलिमेंट्स है, ठीक है। तब हमको जानना है देन नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, 1-1 फंक्शंस फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इक्वल टू, फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू क्या होगा? थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए सेट ए में आपको x1 x2 डॉट 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 xm m एलिमेंट हो गया, सेट बी में आपको y1 y2 डॉट 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 yn एलिमेंट हो गया। अब 1-1 होना है, 1-1 होने के लिए आप अभी अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 1-1 होने के लिए, 1-1 होने के लिए आपको सेट ए के जितने भी मेंबर हैं उसका सेट बी में क्या होना चाहिए? अलग अलग इमेज होना चाहिए। सेट ए के दो एलिमेंट का उधर सेट बी में सेम इमेज नहीं होना चाहिए। तो पहला मेंबर x1 है, इसको कितने तरीके से इधर कनेक्ट कर सकते हैं? तो n तरीके से। कितने तरीके से? n तरीके से। फर्स्ट मेंबर कितने तरीके से? n तरीके से कनेक्ट होगा। मान लीजिए यह एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट हो गया, सारा खेल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का है। पहला n तरीके से कनेक्ट हो गया तो दूसरा n-1 तरीके से होगा, क्योंकि x1 जिससे कनेक्ट हो चुका होगा उससे x2 कनेक्ट नहीं होगा।
तो दूसरा n माइनस वन, तीसरा n माइनस टू। अगर आप देख रहे हैं तीसरा यहां टू लिखा रहा है, एक कम लिखा रहा है, तो m1 अगर आएंगे तो n माइनस m से एक कम, तो m माइनस वन घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाए, और ये टोटल नंबर ऑफ वेज निकल गया। और ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस m हो जाएगा, या यूं कहें npm, npm हो गया, npm। तो npm कब डिफाइन होता है, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है, तभी ना डिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सीधे हो गया npm, लेकिन यह फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। इट मींस सेट D में एलिमेंट की संख्या या तो सेट A के बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, और इसी का आंसर जीरो हो जाएगा इफ n इज लेस देन m हो जाए। इट मींस B में एलिमेंट की संख्या यदि A से कम होगी तो वन वन फंक्शन की संख्या जीरो होगी, है ना, और यदि B में ए से ज्यादा हो या बराबर हो तो सीधे ये फॉर्मूला हो गया। तो इस पर अगर क्वेश्चन आपको दे देता है कि सेट ए में चार मेंबर है, सेट बी में छह मेंबर है, तो बताइए कि ए से बी में कितने तरह के वन वन फंक्शन होंगे, तो सीधे जवाब हो जाएगा 6p4। और फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड फैक्टोरियल एन माइनस एम, यहां लगा दीजिएगा तो सीधे ये आपको आंसर दे देगा। तो आप सीख गए कि यदि ए में एलिमेंट की संख्या मालूम हो और बी में एलिमेंट की संख्या मालूम हो तो ए से बी में वन वन फंक्शंस की संख्या कितनी होगी, ये आप आसानी से जान गए। अब हम इसके दूसरे डिफिनेशन पर आते हैं, नोट नेक्स्ट नंबर पे आइए, वन वन का और भी उपाय जानिए। वन वन कई तरीके से डिफाइंड होता है, कैलकुलस के हेल्प से भी होता है, मोनोटोनिक नेचर होता है। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि कहीं पर वह रेस्ट नहीं कर सकता, एक्स के प्रत्येक वैल्यू के वो इंक्रीज करता रहता है, तो कोई अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो वह फंक्शन वन वन फंक्शन होता है, ठीक है। तो आइए नोट यहां हम लोग देखते हैं और भी इसमें, कहता है इफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, एनी फंक्शन सच दैट है ना एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू, या यहां लेस देन मत लिखिए, इक्वल ले लीजिए एफ एक्स टू। ये इमेज मैनी वन मान के चल रहे हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इंप्लाइज दैट एक्स वन बराबर एक्स टू, है ना। एक्स वन और एक्स टू दो अलग अलग एलिमेंट है डोमेन का, है ना, फॉर दो टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एक्स वन एंड एक्स टू, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लिए और इंप्लाइज दैट कहां चला गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। हम इमेज दोनों का बराबर मान के चले हैं, है ना, ये हम पहले ही कंट्राडिक्ट, इसको कंट्राडिक्शन से कहते हैं प्रूफ करना। ये जो ये एफ एक्स वन इमेज को दिखाता है, एक्स वन हमारा एलिमेंट है, डोमेन है, और डोमेन का मेंबर है, ठीक है। और जब इसमें एफ एक्स वन लग जाता है तो ये इमेज ऑफ, द इमेज ऑफ एक्स वन हो गया, द इमेज ऑफ एक्स वन, ये इसका मीनिंग हो गया। तो अब आप ही समझ के देखिए कि एक्स वन का इमेज और एक्स टू का इमेज बराबर हो गया, और एक्स वन और एक्स टू का इमेज अगर बराबर हो गया तो क्या वन वन होगा, नहीं होगा, वो मानना ही गलत है। तो हम पहले ही मान लिए कि वो वन वन नहीं है, इट मीन्स हम मैनी वन उसको मान के चल रहे हैं, पहले ही हम मान के चल रहे हैं कि वो क्या है, मैनी वन। लेकिन बाद में पाया गया कि एक्स वन और एक्स टू इक्वल हो गया, तो यहां ओनली वर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर हो, इसके अलावा एक्स वन और एक्स टू के बीच कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाए ठीक है, लेकिन एक्स वन बराबर कहीं पे टू एक्स टू, चाहे एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू, एक्स वन इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप अगर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वह वन वन नहीं रह जाएगा, तब मैनी वन हो जाएगा। सो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू के अलावा कोई और रिलेशन वहां पर हमको नहीं मिलना चाहिए, यदि हम ये मान करके चलें और सॉल्व करें तो, ठीक है ना। सच दैट दिस
ओनली देन लिखिएगा देन एफ इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, एफ इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन बहुत हद तक डोमेन पर भी डिपेंड करता है, डोमेन कोडोमेन इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। देखना यह होता है कि डोमेन और कोडोमेन में अगर चेंजिंग आता है तो इस कैरेक्टर पर भी इफेक्ट पड़ता है, कैसे उसके बारे में हम आपको अभी तुरंत बताते हैं। चलिए आइए अगला एक नोट हम और लिख देते हैं तब हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट नोट समझिए, कहता है इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि dy अपॉन dx है ना, बाद में हम इस पर बात लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, देन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। दैट इज इफ dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो होल्ड सिंगल पॉइंटेड होगा, सिंगल पॉइंट पर होगा, कभी पूरे पूरे इंटरवल में नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर वो लगातार हो गया तब वो दिक्कत करेगा। सो इक्वल टू जीरो हम लोग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओनली ग्रेटर देन जीरो यहां लेकर के चल रहे हैं, और तब ये लिखेंगे देन एफ एक्स देन एफ इज है ना वन वन फंक्शन, एफ इज वन वन फंक्शन। इस पर हम लोग डिस्कस जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब करेंगे, तो फिलहाल हम इस पर बात करते हैं, इस पे आइए अब इस नोट पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कहीं पर दे दिया fx इक्वल टू x स्क्वायर है ना, और हमको जानना है ये वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए चेक द इंजेक्टिविटी, चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, वेयर f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r, r रियल नंबर है और उधर भी आपको रियल नंबर है। तो देखिए सिंस एफ एक्स इक्वल टू कितना दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम मान लिए कि एक्स वन और एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ है ना, सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इंप्लाइज दैट। अब आगे बढ़ाते हैं, देखिए एफ एक्स कितना दिया है एक्स स्क्वायर, जब आपको एफ एक्स एक्स स्क्वायर दे दिया और आपसे एफ एक्स वन का वैल्यू पूछ दे एक्स की जगह एक्स वन आ जाएगा और एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको एफ वाई पूछ देता है तो एक्स की जगह वाई रख देंगे, अगर हमको एफ एक्स प्लस वन बाय एक्स पूछ देता है तो एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर रख देंगे। देख रहे हैं जैसे यहां x रखा रहा है, x की जगह पर जो कुछ आएगा उसका स्क्वायर, तो उसी तरह यहां x1 है तो यहां x1 का स्क्वायर और ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब आप इसको देखिए, इसको इधर लाइए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहां से x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 बराबर जीरो हो गया। यहां से एक रिजल्ट x1 बराबर माइनस x2 मिल रहा है और x1 बराबर x2 निकल रहा है। देखिए हमको सिंगल ये रिजल्ट आना चाहिए था, केवल ये रिजल्ट, लेकिन हमको एक्स्ट्रा ये भी मिल गया है ना, तो यहां से दो बात चल मिल गया हमको, सिंस एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है ना, एफ इमेज ऑफ एक्स वन, कई तरीके से इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स या एफ एक्स वन या सॉरी एफ एक्स, इस तरह से आप शॉर्टली कह सकते हैं। तो देखिए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू यहां निकला, तो हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू एंड एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू ऑल्सो, ये भी कह दिया।
देयरफॉर एफएक्स इज नॉट वन वन फंक्शन इज नॉट ए वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन यह वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को आप चेक कर सकते हैं कि वो वन वन है या नहीं है। अगर ओनली एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए, ओनली एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए तो आप वन वन फंक्शन कहेंगे, और यदि उसके अलावा कोई और रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए तब वन वन फंक्शन नहीं होगा। अब यहां मैं एक चीज समझिए, इसको तो हम देख लिए कि वन वन नहीं है, लेकिन अब आप आइए थोड़ा हम चेंजिंग कर देते हैं। दूसरा हम आपको बताते हैं कि इतना करने की जरूरत नहीं है, जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो क्या हम इतना बनाते रहेंगे? नहीं, इतना हम नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव के केस में हम क्या करेंगे, डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर दे दिया। डोमेन क्या दिया है? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब हो गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में जितना भी नंबर है वो टोटल हो गया। तो अब अगर हम माइनस वन ले लें, एफ माइनस वन तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो गया, और एफ वन ये भी वन हो गया। ये जो पुट हो रहा है ये एक्स है, जो सॉल्व होके निकल रहा है वो वाई है। यदि आपको कहीं भी दो अलग अलग एक्स के लिए सेम वाई आ जाए, दो अलग अलग एक्स के लिए आपको सेम वाई आ जाए, समझ रहे हैं ना, दो अलग अलग एक्स के लिए आपको अगर सेम वाई आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। दो अलग अलग एक्स के लिए सेम वाई, ये आउटपुट जो आउटकम्स हमारा जो निकल रहा है रिजल्ट उसको वाई कहेंगे, जो हम उसके अंदर पुट कर रहे हैं उसको हम एक्स कहेंगे। तो एक्स जगह एक बार माइनस वन लिए, एक बार प्लस वन लिए, तो सॉल्व होके वन वन ही आया। दोनों बार हमको रिजल्ट जो है जो वाई है वो सेम आया, इसका मतलब यह फंक्शन वन वन नहीं है। ठीक है, ये मैनी वन कहलाएगा। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये जो डोमेन R टू R था अब हम इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, N टू N कर देते हैं। चलिए देखिए, इसका हम उधर हम R भी छोड़ दे तो कोई आपत्ति नहीं है, डोमेन को हम थोड़ा बदल दिए, डोमेन को हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है, अब हमको माइनस वन लेना अलाउ नहीं है, माइनस टू लेना अलाउ नहीं है, जीरो लेना अलाउ नहीं है। तो अब हम यहां केवल क्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर लेंगे। अब अगर एक ले लेते हैं तो एक का इमेज इस जगह एक्स जगह रखिए तो सॉल्व होके वन आएगा, अगर आप टू रखते हैं तो फोर आएगा, थ्री लेते हैं तो नाइन आएगा। तो क्या दो अलग अलग नेचुरल नंबर के लिए सेम आउटकम सेम रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। एक का वन आया, दो का चार आया, तीन का नौ आया, चार का सिक्सटीन आएगा, फाइव का ट्वेंटी फाइव आएगा। सो अलग अलग नेचुरल नंबर के लिए अलग अलग इमेज क्रिएट होगा और तब ये वन वन हो गया। तो आप समझ गए कि यदि किसी फंक्शन के डोमेन में चेंजिंग लाया जाए या उसके को डोमेन में चेंजिंग लाया जाए तो डोमेन या को डोमेन में बदलाव ला करके उसको हम वन वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको यहां से समझदारी मिल गई होगी, ये आपको नॉलेज यहां से मिल गया होगा। अब हम आगे आते हैं वन वन फंक्शन के बाद इसका ग्राफिकल टेस्ट। वन वन फंक्शन का ग्राफिकल टेस्ट, ग्राफिकल टेस्ट का मतलब हो गया कि अगर कोई ग्राफ हमको दे दिया तो हम कैसे जानेंगे कि वो वन वन है या नहीं है। ठीक है, कोई फंक्शन का हमको ग्राफ अगर दे दिया और तब हमसे पूछ दिया कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं है तो कैसे जानेंगे। तो आइए ग्राफिकल टेस्ट समझिए इसको, ग्राफिकल टेस्ट। ठीक है, ग्राफिकल टेस्ट देखिए क्या कहता है। इफ ए स्ट्रेट लाइन, इफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किसके पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट
देन द फंक्शन विल बी वन वन फंक्शन, विल बी वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन, क्लियर है। कहता है कि कोई भी ग्राफ वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यदि एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम खींचें, उसको ड्रॉ करें, तो वह कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ओनली वन पॉइंट पर, एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट कर दिया तब वह वन वन फंक्शन नहीं होगा, वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन इट मीन्स इधर का एक उधर के एक से, मैनी वन मतलब इधर का कई उधर के एक से कनेक्ट, इट मीन्स कई एक्स के लिए एक वाई हो जाना, कई एक्स के लिए एक वाई हो जाना मैनी वन है, और अलग अलग एक्स का अलग अलग वाई होना वन वन है। तो आइए इसके पिक्चर से समझते हैं, देखिए जैसे ये हमारा एक फंक्शन का ग्राफ खींच दिए, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, हमको जानना है कि ये वन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है, तो खींचिए x एक्सिस के पैरेलल, देखिए खींचे हम, ये क्या किया कि दो अलग अलग जगह पे इसको इंटरसेक्ट किया, कहा कि ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, अगर यह केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, है ना, इफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट्स द ग्राफ, इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तब जाकर के वो क्या होगा आपको वन वन फंक्शन होगा, लेकिन ये दो अलग अलग जगह इंटरसेक्ट किया, दो अलग अलग जगह, तो ये वन वन नहीं है, इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन, इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है अब ये भी समझ लीजिए, थोड़ा देखिए ये जो है, जब इससे आप नीचे यहां आइएगा, यहां x का कुछ अलग वैल्यू मान लीजिए x1 है, और जब यहां आप आइएगा तो यहां क्या वही x का वैल्यू होगा जो यहां है, नहीं ना, यहां पर x का वैल्यू कुछ अलग होगा, यहां x का वैल्यू कुछ अलग होगा, लेकिन ये हाइट जो है, हाइट तो दोनों जगह बराबर है, जितना यहां है उतना ही है, इसका मतलब अलग अलग एक्स के लिए, हाइट मीन्स वाई, हाइट मीन्स वाई, वाई को हाइट कहते हैं, बार बार ये सब चीज हम बोल रहे हैं जिससे आप समझें, हाइट मीन्स वाई, वाई मीन्स फंक्शन का वैल्यू, इट मीन्स हाइट भी फंक्शन का वैल्यू है ना, जहां कहीं भी हम हाइट देखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू बता रहा है, तो ये भी वैल्यू है फंक्शन का और ये भी है वैल्यू फंक्शन का, और यहां जितना हाइट है उतना ही यहां है, इसका मतलब दोनों जगह फंक्शन का वैल्यू बराबर है, इट मीन्स x1 पर जितना वैल्यू है उतना ही x2 पर भी है, तो x1 और x2 दोनों जगह पर हाइट बराबर हो गया, y बराबर हो गया, दो अलग अलग x के लिए y बराबर हो गया, तो क्या हो गया ये आपको मैनी वन फंक्शन हो गया, वन वन नहीं हुआ। अगर इसी जगह हम दूसरा पिक्चर लेते, ठीक है, मान लीजिए हम अलग एक पिक्चर ड्रॉ कर दें, अलग यहां पर लीजिए छोटा सा पिक्चर हम आपको ड्रॉ करते हैं, ये एक खींच रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कोई गया, ये एक फंक्शन हम खींच दिए y इक्वल टू जी एक्स, अब हम x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच देते हैं, मान लीजिए यहां से खींचे, तो क्या देख रहे हैं आप, एक जगह कट किया, कहीं भी खींचिए, देखिए ये पैरेलल एक ही जगह कट कर रहा है, तो कोई भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर खींचे और वह सिंगल जगह कट करे, आप कहिएगा यहां यहां दो जगह, अरे एक लाइन एक जगह, तो ये एक लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यह फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है। इसी तरह अगर हम एक अलग थर्ड पिक्चर ले लें, मान लीजिए हम यहां ऐसा पिक्चर आपको ले लिए इस तरह से, ये है, और यहां से हम इस तरह से ऐसे एक खींच दिए, यह भी एक फंक्शन है, मान लीजिए वाई इक्वल टू एच एक्स नाम दे दिए, और अब आप यहां जानना चाहते हैं कि ये वन वन है या मेनी वन है, तो आपको क्या करना है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना होगा, तो x एक्सिस के पैरेलल खींचिए, ये हमारा x एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई लाइन खींचिए, ऐसे खींचिए आप, अब देखिए ये सिंगल जगह कट किया, क्या ये डबल जगह कट किया, नहीं सिंगल जगह, तो अब कहेंगे इट इज वन वन फंक्शन, ये आपको वन वन फंक्शन है, इट इज वन वन फंक्शन, यह आपको वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है, किसी तरह का कोई इसमें डाउट शायद अब नहीं रहा होगा ग्राफिकल टेस्ट में भी।
तो अब आज वन वन फंक्शन को अच्छे से समझ गए, अब हम आते हैं मैनी वन फंक्शन पर, मैनी वन फंक्शन पर। ठीक है, मैनी वन फंक्शन सिंपल है, ऐसा फंक्शन जो वन वन नहीं हो, ऐसा फंक्शन जो वन वन नहीं हो वही क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहला इस तरह से मैनी वन फंक्शन। आप इसको अलग अलग लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, हिंदी इसका होता है बहु एक फंक्शन, बहु एक फलन, नाम से क्लियर है बहु एक, मैनी वन, कईयों का कनेक्शन एक से होना, कईयों का कनेक्शन एक से होना, इसको हम क्या कहते हैं, बहु एक फलन। ठीक है, अब यहां जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपना देख लीजिए, मान लीजिए हम इधर इस तरह से लिखते हैं, कई तरह का अभी तक एग्जाम्पल हम आपको दे चुके हैं, माइनस वन, प्लस वन, टू, माइनस टू, थ्री, है ना, फोर, इस तरह से लिए, और इधर हम वन, फोर, नाइन, सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव, इस तरह से लिए, है ना। तो माइनस एक का कनेक्शन एक से हुआ और एक का फंक्शन यहां ऐसे है वो ऑलरेडी जो अभी तक लेते आए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन का भी इमेज वन है और वन का भी इमेज वन है, दो अलग अलग का इमेज सेम है, टू एंड माइनस टू का भी इमेज सेम है, थ्री का इमेज नाइन हो गया, फोर का इमेज सिक्सटीन हो गया। तो आप जब देख रहे हैं कि कहीं भी कोई दो अलग अलग एक्स का, दो अलग अलग एक्स का सेट ए के दो अलग अलग मेंबर को, है ना, सेम इमेज हो जाए, सेम इमेज हो जाए, तब उसको हम कहेंगे वन वन फंक्शन। तो लिखेंगे इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज एनी फंक्शन सच दैट, है ना, सच दैट टू एलिमेंट्स, है ना, टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम प्री इमेजेज, सेम प्री इमेजेज इन, सॉरी, सेम प्री इमेजेज लिख रहे हैं, सेट ए हैव सेम इमेजेज, सेम इमेजेज इन द सेट बी, इन द सेट बी, देन फंक्शन इज कॉल्ड, फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। जो यहां दिखा वही हमने लिखा, है ना, कि दो अलग अलग टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव, है ना, सेम इमेजेस, दो एलिमेंट के पास सेम इमेजेस है, तो हम कह देंगे उसको मैनी वन फंक्शन। इसी को दूसरे तरीके से अगर हम कहें कि बी के पास कम से कम एक ऐसा मेंबर हो जिसके पास दो प्री इमेजेस सेट ए में हो, तो ऐसा इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज एनी फंक्शन सच दैट, है ना, सच दैट क्या है, यहां समझते चलिए, एनी फंक्शन सच दैट at least one element of set B has two pre-images, two or more pre-images, इसको इमेज कहते हैं, और इधर उल्टा प्री इमेज होता है, पार्ट वन देख लीजिए फंक्शन का, सेट बी हैज टू और मोर प्री इमेजेज इन द सेट ए, देन एफ इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, एफ इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैनी वन फंक्शन को हमने दो तरीके से डिफाइन कर दिया, कि ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बन जाए बी में, चाहे बी के एक एलिमेंट का दो या दो से अधिक प्री इमेज सेट ए में हो। तीसरा, सीधे सीधे कहेंगे कि कोई भी फंक्शन जो वन वन नहीं हो वही क्या होगा, मैनी वन फंक्शन।
तो लिखेंगे अगला हम लोग, और एनी फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विच इज नॉट वन वन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन. क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन. ठीक है, ऐसा फंक्शन जो वन वन नहीं हो उसी को क्या कहेंगे हम? मैनी वन फंक्शन कहेंगे. जो वन वन नहीं हो उसी को हम क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन. तो अब मैनी वन फंक्शन का संख्या अगर हमको निकालना हो, मैनी वन फंक्शन का संख्या कितने होंगे, तो उसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. वन वन का अभी हम थोड़ी देर पहले निकाले हैं, वन वन फंक्शन की संख्या हम अभी जस्ट निकाले हैं. तो मैनी वन का फंक्शन टोटल फंक्शन की संख्या में से वन वन को घटा देंगे, टोटल फंक्शन की संख्या में से वन वन को घटा देंगे तो हमको मैनी वन निकल जाएगा, है ना. टोटल फंक्शन की संख्या में से वन वन की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमको मैनी वन निकल जाएगा. तो आइए देखिए, यहां नोट है. If set A has m elements and set B has n elements, then the number of many one functions many one functions from set A to set B equal to, आपको याद होगा कि टोटल फंक्शंस की संख्या एन बी पर पावर है ना, एन बी इट मीन्स कोडोमेन पर पावर एन ए होता है, माइनस अभी वन वन की संख्या को घटाना है तो उसके लिए अभी आपको हम एनपीएम पढ़ाए थे, एनपीएम है ना, और ये तभी वैलिड था जब आपको एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम था. तो अगर थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से लिख दें, एनबी पर पावर एन ए है तो इसके बदले हम सीधे सीधे थोड़ा ऐसे लिख दें तो और अच्छा रहेगा, एन टू दी पावर एम माइनस एनपीएम. ये हो गया. और जिस वक्त एन की संख्या एम से कम होगी तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा और बच जाएगा एन टू दी पावर एन. तो ये हो गया आपको मैनी वन फंक्शंस की संख्या, है ना. मैनी वन को आप पिक्चर से भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, कहीं भी दो अलग अलग एक्स का अगर कनेक्शन सेम ही वाई से हो गया, मान लीजिए ऐसे हमने किया इस तरह से, ये देख रहे हैं आप यहां, और इस दोनों को हम सेम से कनेक्ट कर दिए तो ये मैनी वन हो गया. कहीं भी दो अलग अलग जगह से, चाहे तीन अलग अलग जगह से, सेम जगह एरो चल जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, है ना. और इसको भी डोमेन और कोडोमेन में चेंजिंग ला करके वन वन में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो इस पर हम डिस्कस आगे करेंगे. तो आज आपको हम दो मुख्य जो टाइप हैं, वन वन एंड मैनी वन, उसको हम डिस्कस कर दिए. इसके बाद हम आएंगे आपको ऑन टू फंक्शन जिसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, और उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन होगा जो वन वन प्लस ऑन टू होगा, और उसके बाद आपको इनटू फंक्शन. तो एसोसिएशन बेस्ड फंक्शन आपका समाप्त हो जाएगा. एक जो है सो वीडियो और बनाएंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, और तब हम आएंगे अलग अलग तरह के फंक्शन पे, मॉडुलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, बहुत तरह के फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे और उसके करेक्टर को समझेंगे, और तब जाकर के रेंज वगैरह हम बेहतर से निकालना सीखेंगे. आज की वीडियो में आपको कितना बेहतर तरीके से समझ में आया आप कमेंट में जरूर लिखें. बढ़िया लगे तो अपने साथियों से, अपने जूनियर्स से इसे शेयर करें अपने सोशल साइट्स के द्वारा, आपसे रिक्वेस्ट है. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.